हेलो चिल्ड्रन, होप यू ऑल आर वेल। स्टे होम, स्टे सेफ। आज मैं आप लोगों को एक हैंगिंग बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए हमें एक स्क्वायर पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। स्क्वायर पेपर को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर इस तरह से फोल्ड करेंगे, फोल्ड करने के बाद हम इसे इस तरह से कट करेंगे। एंड तक कट नहीं करेंगे और कट करने के बाद ये पेपर हमारा इस तरह से हो जाएगा। इसे हम इजीली ऐसे खोलेंगे। खोलने के बाद हम इसे स्टेप बाय स्टेप एक एक छोड़कर इसे फेविकॉल से चिपकाएंगे। फिर ये सेकंड वाला छोड़ना है, फिर थर्ड वाला इस तरह से चिपकाना है। फिर से इस तरह से चिपकाते चिपकाकर ये आपका इस तरह से तैयार हो जाएगा। इसके बाद आप इसे टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद भी आप इसे इस तरह से चिपकाना स्टार्ट करेंगे। और चिपकाने के बाद ये आपका इस तरह से तैयार हो जाएगा। तैयार होने के बाद हम इसके ऊपर की साइड एक धागा लगाएंगे और नीचे के साइड मोतियों के साथ थोड़ा सा हैंगिंग बनाएंगे और ये आपका हैंगिंग तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम आज एक बटरफ्लाई तैयार करेंगे। बटरफ्लाई के लिए भी हमें एक स्क्वायर साइज का पेपर चाहिए होगा। स्क्वायर पेपर में हम को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इसे इस तरह से खोलकर हम इसे जो हमारे निशान बने हुए हैं इसी के अकॉर्डिंग फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद ये इस तरह से हो जाएगा। फोल्ड करके हम इसे एक बार और इस तरह से फोल्ड करेंगे। हम इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसको यहाँ से थोड़ा सा राउंड करते हुए कट कर लेंगे, हल्का सा इस तरह से। कट करने के बाद हम इसे इसी खोलने के बाद हम इसे ऊपर बड़ी वाली साइड और नीचे छोटी वाली साइड रखते हुए इसे हल्का सा ऐसे करके इसे यहाँ से इस तरह से दोनों को सेट करते हुए मोड़ लेंगे। इसके बाद हम इसे पीछे की साइड से इस तरह से टर्न करेंगे। टर्न करते हुए हम इसे ये देखिए बैक से इस तरह से आएगा। टर्न करते हुए हम इसे यहाँ से ऐसे ऊपर तक लाएंगे और इसे यहाँ पर फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद हम इसे थोड़ा सा एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे और ये आपकी बटरफ्लाई तैयार हो गई। ऐसे ही आप बहुत सारी छोटी और बड़ी बटरफ्लाई तैयार कर सकते हैं। गुड बाय चिल्ड्रंस।